हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से 150 वॉट की कॉन्टिन्यूस लाइट, जिसको आप अपनी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी प्रोडक्शन में इस लाइट को यूज़ करके बहुत अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली इसकी इंटेंसिटी कैसी है, ओवरऑल सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको इस बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं हमें इन दी बॉक्स क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो डिजिटेक की ये लाइट आती है येलो कलर की आइडेंटिकल पैकेजिंग के साथ में, और बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर कोड देखने को मिलते हैं, जिससे हम इस पूरी लाइट को पावर देंगे। तो ये है इसकी पावर कोड और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी खासी है, तो बहुत मेरे को ये चीज सही लगी। इसके बाद हमें देखने को मिलती है यहाँ पे लाइट। लाइट को हम बाद में निकालेंगे, पहले और अदर एक्सेसरीज देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पे। तो ये है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जहाँ से हम पढ़ के सारी जो है इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक जो है रिमोट देखने को मिलता है, ये है इसका रिमोट, जिससे हम इस लाइट को वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी वगैरह जो है सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। अब निकालते हैं लाइट। तो इस तरह से हमें थर्माकोल की मदद से इसको इस तरह से बाहर निकालना है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर, जो इस लाइट के साथ में आता है, जिसको हम लाइट के आगे अटैच करके लाइट को डायरेक्शनल कर सकते हैं। तो ये है इसका रिफ्लेक्टर, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ब्लैक जो है कलर का रिफ्लेक्टर, अंदर सिल्वर जो है कोटिंग है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद देखते हैं लाइट कैसी है। सबसे अच्छी बात मेरे को लाइटिंग की ये लग रही है कि बहुत अच्छे से पैक कर रखी है, ताकि सेफली जो है कस्टमर के पास पहुंचे। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी डिजिटेक ब्रांड की। अब इसको बाहर निकालते हैं। एंड हियर कम्स द लाइट। ये है ओवरऑल प्लास्टिक मटेरियल, और सामने की तरफ हमें लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो नॉब है, इसको जब आप पीछे करेंगे, इस तरह से पीछे करके इसको निकाल सकते हैं, कवर को रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है। और यहाँ पे हमें जो है लाइट देखने को मिलती है, यहाँ से लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमें पावर कोड लगाने की जगह देखने को मिलती है, यहाँ पे आपने पावर कोड लगानी है। और पीछे की तरफ हमें जो है एक नॉब देखने को मिलती है, जिससे हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये डिमर है, इस साइड प्लस होएगी, इस साइड माइनस होएगी। और ये है पावर ऑन और ऑफ। यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन इस लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन है। और बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी की लाइट है, ऐसा नहीं है चीपर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो हैंडल है, ये काफ़ी काम आएगा, जब मैं इसको स्टैंड के ऊपर माउंट करूँगा तो मैं इजीली इस तरह से लाइट को एडजस्ट कर पाऊँगा। और यहाँ पे हमें बोवेंस माउंट देखने को मिलता है, ताकि हम इसके साथ कोई भी सॉफ्ट बॉक्स बोवेंस माउंट वाला अटैच कर सकें। और बात करें इस लाइट के बैक पैनल की, तो यहाँ पे हमें हैंडल देखने को मिलता है, जहाँ से हम इस लाइट को इस तरह से पकड़ के एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ करने का स्विच है, इस तरह से आप पावर ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इंटेंसिटी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा है डिम 100%। और इस तरह से गाइज, मैं नॉब को पीछे करूंगा तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इस तरह से गाइज मैं बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप मैन्युअली भी इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज, आप इस नॉब से और इस बटन कंट्रोल से इस लाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब इस लाइट को करते हैं पावर ऑन, और इसके साथ करते हैं सॉफ्ट बॉक्स अटैच, देखते हैं ये प्रैक्टिकली कितना बढ़िया लाइट का इम्पैक्ट डालती है हमारे फेस पर। तो लाइट को मैंने गाइज पावर कोड के साथ कनेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसको ऑन करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है इसके साथ में सॉफ्ट बॉक्स को अटैच करना। तो मेरे पास अभी 85 सेंटीमीटर का जो भी सॉफ्ट बॉक्स अवेलेबल था, मैंने वो जो है ले लिया है। तो ये है पूरा 85 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स, आप कोई भी साइज लगा सकते हैं, ये बोवेंस माउंट है। और यहाँ पे हमें सॉफ्ट बॉक्स लगाने के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से फेस अप करना पड़ेगा, ताकि हम जो है प्रॉपरली सेफ्टी के साथ सॉफ्ट बॉक्स लगा सके, सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हैं। Now as you can see, मैंने इस लाइट के साथ सॉफ्ट बॉक्स अटैच कर दिया है। आप चाहे तो डिजिटेक का सॉफ्ट बॉक्स भी अटैच कर सकते हैं, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी ब्रांड का बोवेंस माउंट का सॉफ्ट बॉक्स आप इस लाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिफ्यूजर आप अटैच करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं इस लाइट को पावर ऑन करता हूँ, तो यहाँ से पीछे से हम जो है स्विच ऑन करके इसको पावर ऑन कर सकते हैं। और अभी जो है डिम इसकी 10% पे, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो 10% पे। और पीछे से इस तरह से मैं नॉब को घुमा के कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ इंटेंसिटी को, और ये चीज़ मैं रिमोट से भी कर सकता हूँ। अब मैं गाइस सारी लाइट्स ऑफ करके इस लाइट का इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि मेरे फेस पर कैसा आता है। तो स्टूडियो की मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दिया, और इस लाइट की अभी इंटेंसिटी है 10% पर। और यहाँ पे जो मैं वायरलेसली इस लाइट को पूरा कंट्रोल करने वाला हूँ, क्योंकि रिमोट में हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मेरे को लाइट को बढ़ाना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस को जैसे ही मैं दबाता हूँ तो लाइट बढ़ जाती है, और ऐसे ही माइनस करता हूँ तो माइनस से
लाइट जो है कम हो जाती है। यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ दो जो है 10% जो है बटन देखने को मिलते हैं। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो या फिर बटन दबाऊंगा तो 10% पे ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी आ जाएगी। जब भी किसी भी इंटेंसिटी मोड पे होगी, जैसे कि मान लीजिए 50% पे है या फिर 80% मोड पे है, अगर मैं 10% वाला बटन दबाऊंगा तो वापस से ये 10% पर आ जाएगी। तो एक तरह से एकदम से आपको एडजस्ट करना 10% पे, उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दे रखा है। नीचे गाइस हमें यहाँ पे एक और शॉर्टकट दे रखा है बटन का, जिसमें हम 50% डायरेक्ट इंटेंसिटी कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैंने इसको 50% पे कर दिया तो एज यू कैन सी 50% पे मेरे फेस पर लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई होगी, सिर्फ मैंने एक बटन दबाया 50% वाला। और नीचे की तरफ हमें दो बटन मिलते हैं, -10 और +10, यानी कि -10 अगर मैं दबाऊंगा तो 50 से 40 हो जाएगी, 40 से फिर 30 हो जाएगी। अब मैं दबा रहा हूँ तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, 20 हो जाएगी। इस तरह से हम कम कर सकते हैं 10% कर करके। और इसी तरह से +10% से क्या होगा कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं 10-10% करके, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से गाइस अभी 10-10% बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं 10-10% बहुत जल्दी बढ़ा सकता हूँ। मेरे को बार बार उठ के जाने की नीड नहीं कि मैं लाइट के पीछे डिमिंग वाला जो नॉब है उसको घुमाऊं और फिर एडजस्ट करूं, मैं यहीं से सारा एडजस्ट कर सकता हूं। और इसी के ठीक नीचे पूरे 100% इंटेंसिटी का बटन भी है। अगर आप फुल पावर लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 100% का जो है मोड का बटन दबा देता हूँ, यहाँ से मैंने 100% पे लाइट कर दिया। अब एज यू कैन सी इस लाइट की पूरी इंटेंसिटी जो है हो चुकी है, और हो सकता है मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो गया हो, लेकिन गाइज 100% भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो रिमोट गाइज काफी काम की चीज मेरे को लगी। अब मैं धीरे धीरे करके -10 करके देख सकता हूँ कि इंटेंसिटी मेरे को कैसी करनी है, क्योंकि गाइज जब हम YouTube वीडियोस या फिर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो इस तरह का जो वायरलेस कनेक्शन होता है बहुत ज्यादा काम आता है। बाकी इसके अलावा गाइज आप लाइट के पीछे जाके डिमिंग नॉब से तो इसको कम ज्यादा कर ही सकते हैं। तो ये रिमोट इस लाइट के साथ कैसे काम करता है इस चीज का तो आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन इसके अलावा ये लाइट की इंटेंसिटी कैसे मेरे फेस पर आ रही थी जब मैं अलग अलग इंटेंसिटी पर काम कर रहा था, उसका भी गाइज आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। बाकी गाइज मैंने सॉफ्ट बॉक्स इसके साथ लगा रखा है, आप चाहे तो इसको व्हाइट वॉल पे डाल के डिफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स के बिना इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन सॉफ्ट बॉक्स जो है हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमें सॉफ्ट इम्पैक्ट अपनी लाइटिंग में चाहिए होता है। अब इस लाइट के आगे से मैंने डिफ्यूजर को हटा दिया है, और मैं पहले आपको बता दूं, हो सकता है मेरा फेस जो है ओवर एक्सपोज हो जाए क्योंकि कोई भी डिफ्यूजर इसके आगे नहीं लगा हुआ। इसकी इंटेंसिटी अभी 10% पे है और मैं लाइट के आगे नहीं खड़ा, लाइट के अगर मैं आगे आता हूँ तो एज यू कैन सी ये जो मेरा फेस है यहाँ से हो सकता है ओवर एक्सपोज हो रहा होगा 10% इंटेंसिटी पर ही, क्योंकि इसकी वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा है, 150 वॉट की है ये पावर। और गाइज अब मैं जैसे इसकी इंटेंसिटी फुल करता हूँ तो अब गाइज आपको आइडिया होगा, ये इंटेंसिटी मैंने पूरी फुल कर दिया, अब मैं इसके आगे आता हूँ तो हो सकता है ओवर एक्सपोज ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि गाइज बहुत तेज़ लाइट मेरे को यहीं से महसूस हो रही है। तो इस तरह से गाइज इसकी पावर है। अगर आप इस लाइट को इस तरह से बाउंस करके यूज़ करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर वॉल के ऊपर करता हूँ, इस तरह से वॉल के ऊपर करके मैं सीलिंग के ऊपर जो है इसको अटैच कर देता हूँ, मतलब सीलिंग के ऊपर इसका जो है फोल्ड डालता हूँ, तो गाइज इस तरह से मैं इसको डिफ्यूज़ कर सकता हूँ। अब गाइज मैंने इसको पूरा ऊपर कर दिया और अब आपको मेरे फेस पर इम्पैक्ट दिख रहा होगा। बेसिकली मैंने क्या किया है, सीलिंग के ऊपर इसका मूव कर दिया ताकि वहाँ से लाइट बाउंस होकर मेरे फेस पर आए, और हो सकता है सॉफ्ट इम्पैक्ट अब मेरे फेस पर आ रहा होगा। लेकिन गाइस ओवरऑल जो है आप इसको सॉफ्ट बॉक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से डिफ्यूज करके बाउंस करके भी यूज कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। अब बाउंस कराते वक्त मैं चाहता हूँ ये लाइट ज्यादा फैले ना, उसके लिए ये रिफ्लेक्टर काफी काम आता है ताकि मैं लाइट को और भी डायरेक्शनल कर सकूँ। तो इस तरह से गाइज अगर मैं इसको अटैच करता हूँ इस तरह से, अब गाइज लाइट जो है बहुत डायरेक्शनल हो चुकी है, मेरे फेस पर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ से लाइट इकट्ठी होकर सीधा वहाँ जा रही है, आसपास नहीं फैल रही। तो इस रिफ्लेक्टर का ये काम होता है या फिर इस अटैचमेंट का ये काम होता है। इस तरह से गाइज हम इसको अटैच करके जो है लाइट को डायरेक्शनल कर सकते हैं। अभी आप देखिए मेरे फेस पर कोई भी लाइट नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिटैच करता हूँ मेरे फेस पर लाइट आनी शुरू होगी होगी, हल्का सा इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से लाइट को डायरेक्शनल करने के लिए हम इस चीज़ को अटैच करते हैं ताकि जहाँ भी इसका मुँह है वहाँ पे जो है लाइट जाए और वहाँ से बाउंस होके फिर हमारे फेस पर बाउंस होके सॉफ्टली आए। तो गाइज इस लाइट का इंडोर में आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा, और ये लाइट 150 वॉट की जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसकी लाइट की पावर इतनी ज़्यादा तेज है कि अगर आप बिना डिफ्यूज़र के इसको आउटडोर यूज़ करेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छे से इस लाइट का आउटडोर प्रोडक्शन में यूज़ ले सकते हैं। और पता है गाइज अगर हम इस रिफ्लेक्टर को इस लाइट के साथ यूज़ करते हैं तो हम लाइट को नैरो करके लाइट की इंटेंसिटी को 4 से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो गाइज आपको इस वीडियो से एक्यूरेटली आइडिया हो गया होगा कि ये लाइट कैसा परफॉर्म करती है, इंडोर इंटेंसिटी कैसी है, या फिर इसके साथ जब आप कोई भी डिफ्यूज़र लगाते हैं, सॉफ्ट बॉक्स लगाते हैं, तो किस तरह की जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, कैसे सॉफ्ट जो है फॉल आते हैं हमारे फेस के ऊपर। बाकी गाइज आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस लाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।